पीछे पीछे भैया दे दो मीठा ना। हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया दी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब, उम्मीद करती थी आप सब ठीक होंगे। सो आज है 1 जनवरी, साल साल भर के दिन हम लोग कहाँ गए थे, हॉस्पिटल दीप को दिखाने। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आप सभी को मुबारक हो। Cheers. उम्मीद करती हूँ कि ये जो साल है 2024 हमारी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। 2023 मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे घटिया साल था। बस एक ही चीज़ मेरी लाइफ में अच्छी हुई कि मुझे मेरी बिटिया रानी मिली है। बाकी क्या कर रहे हो यार, मस्त खत्म हो गया ले लो एक मिनट, पकड़ो ना, पकड़ लो लो यू ना, मीठा है ये, नहीं मीठा है दूसरा कटवा नहीं। पता है हर एक चीज में, चाहे बात रिश्तों के लेके हो, काफी सारे रिश्ते ऐसे पीछे छोड़ गए, सबने कुछ ना कुछ कर दिया जिसकी वजह से हर्ट हुआ, हमने उनसे दूरी बना ली। मतलब हर एक चीज में लॉस हुआ है ना, हर एक चीज में। तो चाहे जो हेल्थ को लेके हम पूरे साल परेशान थे, और मलाई नहीं खानी तो आज 1 जनवरी है और देख रही हूँ चारों तरफ इतनी चहल पहल है। एक मैं सोच रही हूँ एक मेरी लाइफ में सिर्फ यही है, यहाँ हॉस्पिटल जाओ, वहाँ हॉस्पिटल जाओ, यहाँ खून निकलवाओ, वहाँ खून निकलवाओ, ये दवा लो, वो दवा लो, मेरी लाइफ में सिर्फ यही लगा हुआ है। और सबको लगता है ना, किसी की लाइफ को देख के ना कभी भी ये मत सोचा करो कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, हमें आपकी जैसी लाइफ चाहिए। आपको नहीं पता है कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, उस दिखावे के पीछे कितने कितने अंदर कितनी गहराई तक दर्द है, बहुत ज्यादा। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कहीं से फील हुआ कि 2023 हमारी लाइफ का सबसे घटिया साल था। मतलब एक्सेप्ट ओनली वन थिंग, टू थिंग्स, एक बात हुआ था क्या जगन्नाथ जी का, ये कि बच्ची है, दो चीज छोड़ के हमने हर एक दिन एक नया स्ट्रगल, हर एक दिन ना एक नया दर्द, वो सब हमने बहुत ज्यादा था। और जाते जाते एक सबसे बड़ा जो दर्द देते गया ना, कि चलो जब तक था मेरे, मुझे, मैं झेल रही थी, लास्ट जाते जाते नवंबर में हस्बैंड को भी पता चला कि भैया इनको भी स्टोन है, और उनका वो जो दर्द होता है ना, वो इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि घबराहट होने लगती है, मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि मेरी सांस से मैं सांस ही नहीं ले पा रही, मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, दर्द इनको होता है, और अंदर से ना घुटन मुझे होने लगती है कि क्या कैसे कितनी जल्दी ठीक हो जाए। तो बस माता रानी से यही होप करती हूँ, यही प्रे करती हूँ कि ये जो 2024 है हमारी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लाए। हम पता है हम अपनी तरफ से तो अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छा करेंगे, बट होता वही है जो ऊपर वाले को पता है, मंजूर होता है, वही होता है। तो देखते हैं कैसे जाता है। अरे आज इतनी ज़्यादा भीड़ है, बिल्कुल एकदम खतरनाक हो गया जनेश्वर में, क्या हाल है। पार्किंग तो अंदर खुली है, वो देखो बाप रे अंदर इतने सारे लोग, मुंडे मुंडी है, हाँ जहाँ देखो वही, कहीं नर मुंडी कहीं मादा मुंडी, भैया सब अपने अपने फैमिली के साथ निकले हैं। एक हमारे फिल्मी है, बहुत रश है पूरे लखनऊ, इधर है होगा, टाइम देखो कितना हो रहा है, 4 बज रहे हैं, अरे पूरे लखनऊ इधर ही, बताशे दासे तेरे को छप्पर भोग की तरह बेच रहे हैं। मुंडी मुंडी ही दिख रही है, इसी में किसी के बाबू सोना भी दिख जाएंगे किसी के घर वाले को। कुटाई का
खिंचाई कम पड़ेगी। हाँ, जो फ्रेंड्स को ग्रीटिंग कार्ड देने के बहाने यहाँ पर घूम रहे हैं। पहली बार इतना रश देख रहा हूँ लखनऊ में। नहीं, लखनऊ में ही रहे होंगे फर्स्ट। अच्छा, लेकिन फर्स्ट को हम लोग बाहर नहीं निकलते थे ना, इतिहास रहा है जो अंदर त्योहार जो अंदर ये सब चीज़ें वह दिन बाहर रहना चाहिए। 2022 में मैंने ना वो क्या बोलते हैं दीप उसको पता नहीं क्या बोलते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ को 2023 के लास्ट तक मैं इस चीज़ को कर लूँगा, तो मैंने लिया था कि मुझे जो है 2022 या फिर 2023 के स्टार्टिंग तक प्रियादीप पे 1 मिलियन क्रॉस कराना है। बट भैया 2022 भी चला गया, 23 भी चला गया, 24 भी आ गया, मेरे प्रियादीप के जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं आप जो है 6 साल से यही दिखा रहे हो, तो हम 6 साल से वही दिखा रहे हैं जो दिखाना चाहिए। मेकअप आप लोगों को दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। भाई मैं एक्स्ट्रा कुछ उसमें मिर्च मसाला डाल के नहीं करता, और क्या देखना हम दिखा नहीं सकते। तो हमें भैया हमारा भी बच्चा उतना बड़ा हो गया है, तो हमें ना हर एक चीज़ सोच समझ के करनी होती है, क्योंकि वो भी स्कूल जा रहा है, कहीं उसको किसी ने बोल दिया अरे आपकी मम्मा तो ये कर रही हैं, तो उसको क्या फील होगा, है ना। तो हमारी भी एक लिमिटेशन है, उसके अंदर रह के हमें चीज़ें करनी है और करने में है बस सीमित दायरे में। अब पहले जैसे हम नहीं हैं, पहले पता है पहले था कि बच्चा छोटा था और उसको क्या सिर्फ खिला दो सुला दो इतना ही था। अभी बच्चा बड़ा हो गया है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऊपर आ गई हैं। पहले सिर्फ एक बच्चे की जिम्मेदारी थी, अभी मेरे पास 3-3 बच्चे की जिम्मेदारी है। सिर्फ लोगों को लगता है कि इतना ईजी है सब कुछ, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बस यही है कि चलो जो जो बीत जाए समझ लो वो दौर ना आएगा। पता नहीं कैसे एक गाना है, तो भैया हमने सोचा कि कई दिन हो गया है प्रियादीप पे कुछ भी नहीं गया है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही। आप लोगों को बताऊं कल मेरे साथ क्या हुआ। कल मैं रात के 12 बज रहे थे, सडन मुझे इतना तेज़, जबकि उससे पहले मैं इतना इंजॉय कर रही थी, सडन मुझे इतना तेज़ फीवर हुआ। और कल का मेरा स्टार्टिंग ही कैसे हुआ, न्यू ईयर की स्टार्टिंग मैं आपको बता रही हूँ कैसे हुई। एक मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था, पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, मेरे माइंड में चल रहा था कि आप लोगों के साथ जो है शेयर करना है, विश करना है। इंस्टाग्राम पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, फिर पता है मुझे सडन इतना तेज़ बुखार हुआ। मैंने दीप से बोला कि दीप मुझे बुखार हो गया है और मेरा हाथ पैर सब दर्द कर रहा है, तो दीप ने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे हर्ट कर गया। और फिर मैं उसी पर मेरी और दीप से थोड़ी सी बहस हो गई, और कल हम लोग बहुत सारा काम था तो जिसकी वजह से डिनर हुआ नहीं था, तो हमारा डिनर भी नहीं हुआ। इसके बाद सुबह भी फीवर हो गया, तो दवा से ही 12 बजे से दवा से ही हमारी स्टार्टिंग हुई है। 2000 की स्टार्टिंग तो इस तरीके से हुई है, अब देखते हैं 2024 की स्टार्टिंग इस तरीके से हुई, अब देखते हैं कि पूरा साल कैसे जाता है। आपको दिखाऊं यहाँ भी दादा, इतनी भीड़ कब से हो गई। अरे महाराज राम जी, अरे जंतर तो पूरा दिल्ली लग गया। क्या देख लिया मेरी आंखों ने, क्या अपना लखनऊ ही है। इतनी भीड़ कब से होने लगी, हिचकी बेज मोमो है। मुझे फिर से बुखार हो रहा है, हो रहा है दवा निकालो। ये लग रहा है लखनऊ सरोजनी नगर है, पूरा सारी लखनऊ दिल्ली में। दिल्ली का तो ऐसे ही होता है, डेली डेली। अभी मैं क्या सोच रही थी दीप, कांच तो बंद है, फिर मेरे माइंड में आ रहा है, मतलब मेरे माइंड में नहीं था कि कांच बंद है, मैं सोच रही हूँ ऐसे कांच खोल के वो कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, कोई फोन झपट ना ले मेरा। अपने बाप मदार आई है, तुम कर घरे आग लगी चाहिए
बोलो। ये वाली नहीं, कॉटन वाली। तो बोल दो गाइस, हम घर आ गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ लाइव, आज पता नहीं कितने सालों बाद आज मैं इंस्टाग्राम पे, सॉरी यूट्यूब पे लाइव जाऊँगी, मेरे मेन चैनल प्रियादीप पे। तो पहले मैं लाइव चली जाऊँ, फिर इसके बाद आऊँ, फिर वीडियो एडिट करूँ, फिर अपलोड करूँ। देखो मेरे बच्चे कितने शांत से। हाँ बेटा, माचिंग माचिंग माचिंग। यस यस। अबे मम्मी आपको खाना वैसे। इधर आओ दी पापा। इधर आओ, अभी कुछ काम कर रहे हैं। हेलो आ जाओ। तो बितिया रानी बोलो सबसे, सबसे बोल दो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बत्तू। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर सभी। मिली बितिया रानी, मिली बितिया रानी। आज का वीडियो बस ऐसे चिटचैट काइंड ऑफ वीडियो है, कुछ खास नहीं होने वाला, बस दिल की बातें थी कि 2023 में हमने क्या पाया, क्या खोया। पाया हमने हमारी बिटिया रानी को, खोया बहुत कुछ, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते खो गए हमसे, और बहुत कुछ खो गया मुझसे, बहुत कुछ मिला, सिर्फ ये मेरी जान मिली है मुझे, यही, हाँ ये मेरी बिटिया रानी मिली है मुझे। और इसी की वजह से, बिटिया रानी की ही वजह से मुझे 2023 अच्छा लगा। अदरवाइज़ अगर कोई बोले ना तो मैं 2023 कभी याद नहीं करना चाहूँगी। क्यों बिटिया, सारे रिश्तों ने अपना रंग दिखा दिया था। हाँ सब ने दिखा दिया था, सब ने। अली अली मिला बेटा, अली मिला बेटा। ये खुद से बहुत प्यार करती है, खुद को देख देख के, खुद को देख देख के ना बहुत खुश होती है। देखो चलो पहले मैं इनको कैप लगा दूँ। वैसे यहाँ पर मेरे यहाँ ना रूम हीटर चल रहा है, तो इसकी वजह से अब कह लीजा। एक क्या काम का, आपको ढका ही नहीं। मैं टी शर्ट में बैठी हूँ अभी। देखो मिट्टिया कहाँ ढक गया, ढक गया ठीक बस। तो चलो मैं लाइव चली जाऊँ, फिर आके। एंड भैया जी हेलो, क्या हुआ बेटा। तिवारी साधना हाय, हैप्पी न्यू ईयर। आप बहुत फेक लगती हो। हाँ जी, क्योंकि मैं जो जैसा होता है ना उसको मैं वैसे ही लगती हूँ, और ये आपकी फेक आईडी है इसलिए मैं आपको फेक लग रही हूँ। ये है आपके सामने मेरी बेटी। क्या हुआ बस यार, यही बस आप लोगों के, यही आप लोगों से बस यही चाहिए कि आप लोग यही प्रे करो कि दीप जल्दी से ठीक हो जाए, बाकी सब ठीक है, यही ठीक हो जाए बस। सड़ू सड़ू सा फेस है देखो, दवा खा खा के। मम्मा एक जोक सुना दो। जस्ट अभी मैं लाइव गई थी, आप लोगों से बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमने आप लोगों को बताया था कि हमारा वीडियो 7 बजे आएगा, 7 अभी बज गए, ब्लॉग एडिट करना बाकी है, एडिट कर लें, इसके बाद फिर ब्लॉग पब्लिक करें। कौन कौन है हम दिखा दें न्यू ईयर पे हमारे साथ, कौन कौन है आ जाओ। सब आओ। नेहा, छोटू पाड़े, अनु बुलाए करो मम्मा। आ जाओ सब आ जाओ। अनु पाड़े ये देखो, उधर जहाँ बैठी हो उधर बैठना नहीं है। चलो सब लोग जोर लगाओ, जोर लगा के हैप्पी न्यू ईयर। हमें पता था आप लोग बोलने वाले थे जोर लगा के हैप्पी न्यू ईयर, और हमने चेंज करा दिया, जोर लगा के हैप्पी न्यू ईयर। चलो बोलो, हां जोर लगा के हैप्पी न्यू ईयर। तो करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आप सबने नेक्स्ट ब्लॉग में। कुछ भी हो, स्टार्टिंग कैसी भी हो, एंड इस वीडियो का मस्त मजा आ गया, और बस जोर लगा के हैप्पी न्यू ईयर। तो मिलेंगे आप सबने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून। बाय 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 बाय